भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत ने कई देशों से विभिन्न सैन्य सामानों की खरीद की, जिनमें मिसाइलों से लेकर लड़ाकू विमान तक शामिल है। राफेल लड़ाकू विमान का आना दुश्मन देशों के लिए वैसे ही चिंता का सबब बना हुआ था कि अब भारत ने इसराइल के साथ एक $200 मिलियन की कीमत के स्पाइस बॉम्ब का समझौता किया है, जो कि भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा कर उसे और ताकतवर बनाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि ये स्पाइस बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के दौरान आतंकवादी कैंपों को तबाह करने के दौरान किया था। आसमान से जमीन पर आकर लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम और बेहद शक्तिशाली इन बमों के और एडवांस वर्जन को भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है। चीन से तनाव के बीच वायुसेना इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन बमों को खरीदने का प्लान बना रही है। स्पाइस 2000 बम 70 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को तबाह कर सकता है। इसका नया वर्जन बंकर्स और बेहद मजबूत शेल्टर्स की भी धज्जियां उड़ा सकता है। वालाकोट एयर स्ट्राइक में जिस वर्जन का इस्तेमाल किया गया था, वो मजबूत शेल्टर्स और बिल्डिंग्स में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है। गौरतलब है कि इमरजेंसी पावर के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने सेनाओं को 500 करोड़ रुपए तक का कोई भी हथियार खरीदने की छूट दी है। तीनों सेनाओं के वाइस चीफ को आवश्यक हथियारों की फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत हथियार उपकरण खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सेनाओं को ये छूट पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद दी गई है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसी तरह की वित्तीय खरीद की छूट सुरक्षा बलों को उरी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट हवाई हमले के बाद दी गई थी। वायुसेना को सरकार की तरफ से दी गई इस छूट का सबसे ज्यादा फायदा मिला है, जिसने बालाकोट के बाद स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड मिसाइल, स्टंप अटाका एयर टू ग्राउंड मिसाइल समेत कई रक्षा उपकरणों की खरीदारी की। भारतीय सेना ने इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ ही अमेरिका से हथियारों की खरीद की। भारतीय सेना को इस तरह के फंड देने का मुख्य मकसद किसी भी चुनौती के मुकाबले के लिए शॉर्ट नोटिस पर खुद को तैयार करना है।